तुम भी जिम्मेदार हो। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई अचानक इस दुनिया से बिन बुलाए अपनी मर्जी से चला जाता है तो सोशल मीडिया पर खूब ढोंग दिखाते हो, पर जब कोई तुम्हारा अपना दोस्त अकेले पन में तुम्हें याद करे तो तुम फोन नहीं उठाते हो, सामने बड़े अपने बनते हो और पीठ पीछे गैरों में उसका मजाक उड़ाते हो, उसकी नाकामयाबी की दुआ करते हो और खुद को उसका दोस्त बताते हो। अभी बिजी हूं ये बोलकर पीछा छुड़ाते हो, वो इंतजार करते हैं और तुम फोन करना भूल जाते हो। वो तुम्हें उस वक्त फरिश्ता समझते हैं और तुम शैतानों वाले काम कर जाते हो। हाँ, तुम भी जिम्मेदार हो। साल दर साल हम जितनी तरक्की करते हैं हम अपनी सोच से एक सीढ़ी और नीचे गिरते हैं। ये कौन लोग हैं जो हर बात में नफरत फैलाते हैं, राजनीति के लिए इंसानों को मजहब के नाम पर लड़वाते हैं, मजहब का माँ भी नहीं पता और हर मसले में मजहब ढूंढ लाते हैं। ये कौन है जो किसी इंसान की मौत पर खुशियां मनाते हैं और बड़े गर्व से ये पाखंडी खुद को धर्म रक्षक बताते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कोई भी खुदा या भगवान को नहीं मानता। आप इन्हें जो भी मानते हो, मैं इन्हें इंसान नहीं मानता। ये सब तुम्हारे आसपास होता है और तुम तब भी खामोश हो। हाँ, तुम भी जिम्मेदार हो। कुछ और बातें भी हैं जिनके बारे में समझना जरूरी है। क्या व्हाट्सएप पर आए हर मैसेज को बिना सच जाने फॉरवर्ड करना जरूरी है? खुद से भले ही एक कदम ना चला गया हो, पर क्या किसी और के सफर पर सवाल उठाना जरूरी है? पिछले दिनों किसी की जान भी गई, याद होगा तुम्हें? क्या अदालत से पहले सोशल मीडिया पर तुम्हारा जज बनना जरूरी है? आपकी नफरत, आपका जजमेंट, आपकी बेवकूफी और आपका मजा किसी की जान ले सकता है। क्या सोशल मीडिया पर चलने वाले हर नए हैशटैग को फॉलो कर किसी इंसान को ट्रोल करना जरूरी है? हमारा जिंदगी एक रेस है, बिल्कुल तेज भागी, पर क्या जीतने के लिए किसी और को गिराना जरूरी है? अपने घर में उजाला करने के लिए क्या किसी और का घर जलाना जरूरी है? समझ रहे हो ना, तुम भी जिम्मेदार हो। आज हर तरफ नफरतों की हवा है। अच्छा, बुरा, सही, गलत अब मायने नहीं रखता। जो मुंह में आए बोल दो, कोई कायदा नहीं रखता। कल तक जो साथ में रहते थे, चाय साथ में पीते थे, अब बट चुके हैं दोस्त वो, कोई वास्ता नहीं रखता। जिन्हें इल्म नहीं है मजहब का, उन जाहिलों से क्या कहूं? अगर जाहिलों को समझा भी दूं तो इन पढ़े लिखों से क्या कहूं? कहीं झूठ छोर से बिक रहा है तो कहीं सच का दम भी घुट रहा है। धर्म के ठेकेदार ही सारे, मैं किसको अब इंसान कहूं? कोई हादसा हो तो उठ जाते हो और कुछ दिनों बाद सब भूल कर फिर अंधे बन जाते हो। कोई कामयाब हो तो हिस्सा मांगने आ जाते हो और नाकाम हो तो देख कर मुड़ जाते हो। इंसानियत की इस मौत के तुम भी हिस्सेदार हो। हाँ, तुम भी जिम्मेदार हो।